आज आपके लिए नींबू के छिलकों से बस 5 मिनट में बहुत ही इंस्टेंटली बनने वाले नींबू के अचार की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसको आप पूरे 6 महीनों तक स्टोर करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हम बिना तेल के बनाने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं रेसिपी को। और हाँ, रेसिपी को देखने से पहले चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल को दबा दीजिए, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़े से नींबू के छिलकों को ले लिया है, जिसको आप चाहे तो इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं या फिर थोड़े से बड़े साइज़ में भी इनको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों का इस्तेमाल करने वाली हूँ, मतलब कि नींबू के छिलके और साथ ही नींबू के पीसेस को भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। मतलब हाफ हाफ क्वांटिटी में मैं इनका इस्तेमाल करने वाली हूँ। जितने मैंने नींबू के छिलके लिए थे, उतने मैंने नींबू के पीसेस को भी कट करके ले लिया है। तो अब इनको साइड बाउल में रख लीजिए। और उसके बाद 50 ग्राम जितने हरी मिर्च को भी मैंने हाफ में कट करके, मतलब एक मिर्च को 2 पीसेस में करके ले लिया है। और उसके बाद यहाँ पर लिए हुए नींबू के पीसेस को सरा से एक पैन में डाल दीजिए, और उसके बाद हरी मिर्च को भी डाल दीजिए, और उसके बाद आधा टेबलस्पून जितने अजवाइन को डाल दीजिए, और साथ ही स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिए। और उसके बाद यहाँ पर हल्दी को डाल दीजिए। यहाँ पर आधा टेबलस्पून जितनी हल्दी को भी मैंने डाल लिया है। आप डाले हुए सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से हमें मिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, जो भी चीज़ें हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। तो अब इनको मैंने स्टोव पर रख लिया है, कुछ भी नहीं डाला है, मतलब तेल वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। बिना तेल के ही हम इस अचार को बनाने वाले हैं। इसमें खुद से ही पानी निकल आएगा। तो इस तरह से इसमें एक उबाल आने तक हमें इसको लिड से कवर करके पकाना होगा। और एक उबाल जब हमारा आ जाए, तब इस पर लगी हुई लिड को आप हटा दीजिए। देखिए, इस तरह से जब इसमें एक उबाल आ जाए, इस पर लगी लिड को हटाकर अब इससे सारा पानी ऑपरेट होकर और हमारे जो नींबू के छिलके हैं वो थोड़ा सा टेंडर होने तक, मतलब थोड़े से पकने तक हमें इनको पकाना पड़ेगा। इस तरह से जब आपका अचार बन जाए, थोड़ा सा पानी भी एवोपरेट हो जाएगा इसमें आया निकला हुआ, और साथ ही हमारे नींबू के छिलके जो है वो भी अच्छे से कुक हो जाएंगे, तब आप स्टोव की फ्लेम को ऑफ करके इसको थोड़ा सा ठंडा करके एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। और इसको 2 दिन बाद सर्व कीजिए। और इसको आप रिफ्रिजरेटर में रख के पूरे 6 महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा इस झटपट बनने वाले नींबू के अचार को। और आपको इसका टेस्ट कैसे लगा, ज़रूर हमें आपके फीडबैक कमेंट के ज़रिए बता दीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर इसको शेयर करके, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।